अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन और होस्टिंग के ऊपर है कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है और इन दोनों का आपस के अंदर ताल्लुक क्या आता है, कनेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, बिला तखीर के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेन क्या होती है। डोमेन जो है वो बेसिकली आपका जो बिज़नेस होता है, आपका जो काम होता है, जो चीज़ आप करना चाह रहे होते हैं, जिस नाम के ऊपर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे होते हैं, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई बेकरी है, कोई रेस्टोरेंट है, तो उस चीज़ का जो नाम होता है उसको हम डोमेन कहते हैं कि ये हमारी डोमेन है। तो डोमेन जो होती है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी हम डोमेन चूज़ कर लेते हैं। डोमेन चूज़ करने के बाद जो हमारा दूसरा जो हमारा उसके अंदर होता है वो होता है, दूसरा जो काम हमने करना होता है वो ये होता है कि हमने जगह का तय्यन करना होता है, जगह हमने सेलेक्ट करनी होती है कि हमने किस जगह पर ये अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, या अपने अपना बिज़नेस खोलना है, या अपनी शॉप या अपने रेस्टोरेंट या अपना कोई बेकरी वगैरह हमने ओपन करनी है। तो उस जगह का जो नाम होता है वो मतलब होस्टिंग के साथ जो होती है वो जगह जो हम सेलेक्ट करते हैं। अगर तो हमारा बिज़नेस ग्लोबली है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा बिज़नेस फैला हुआ है, तो फिर जो हम होस्टिंग जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम .com कर लेंगे या .net कर लेंगे, इन दोनों में से कोई एक हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा ग्लोबली हमारा बिज़नेस जो है वो यानी कि फैला हुआ है और हम ग्लोबली बिज़नेस के ऊपर हम अपना काम करना चाहते हैं, तो अगर हमारा बिज़नेस जो है वो विद इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर है, हमारी जो ऑडियंस जो है वो उसने जो हमें रीच करना है वो पाकिस्तान के अंदर से है, विद इन पाकिस्तान से है, तो फिर हमें .com या .net की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हम .pk हम यूज़ कर लेते होते हैं, जो हमारी होस्टिंग होगी होगी वो .pk हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि हमने अपना बिज़नेस कहाँ पे स्टार्ट करना है। अगर तो ग्लोबली है तो फिर .com या .net हम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर तो हमारे पास सिर्फ विद इन पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर या सिर्फ इंडिया के अंदर या सिर्फ बांग्लादेश के अंदर या सिर्फ श्रीलंका या ऐसे किसी भी कंट्री के सिर्फ अंदर हम अगर चेक कर लें उसको, तो उसके लिए फिर हम जो उस कंट्री की होगी जो भी मतलब कि होस्टिंग होगी हम वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर .pk है तो हम .pk उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि google.com। अब जो गूगल है ये एक बिज़नेस का नाम है, जैसे कि एक अदारे का नाम है। google.com जैसे लिखा होता है, आपने कई मतलब सर्च भी किया होगा google.com जाके, अपने जब स्क्रॉलिंग करते हैं तो जो गूगल है वो एक अदारे का नाम है, गूगल जो है एक बिज़नेस का नाम है। तो उसके आगे जो .com है उसको हम TLD कहते हैं। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। जो एक टॉप लेवल डोमेन होती है उसको .com, .net हो गया, .pk हो गया, ये सारी की सारी टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं। तो इस चीज़ को जो .com, .pk, .net है वो एक TLD होती है, टॉप लेवल डोमेन होती है। उसके अंदर जो एक नाम होता है, जैसे google.com है, या हम जैसे कि हमारे सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, कफ्यूट .edu.pk है, उसके अंदर जो कफ्यूट है वो एक अदारे का नाम है, और जो .pk है वो TLD है यानी कि टॉप लेवल डोमेन उसको कहा जाता है। जी तो दोस्तों, अब हम चलते हैं होस्टिंग की तरफ कि होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होता है। तो होस्टिंग सर्वर एक ही चीज़ होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो 24/7 इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, इंटरनेट चला रहा होता है, और जो मतलब जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी हमने वेबसाइट बनाई होती हैं, वो सारी की सारी उसके साथ कनेक्ट होती हैं और वो सारी की सारी वेबसाइट को चला रहा होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी किसी भी कंप्यूटर के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के लिए हमें एक IP एड्रेस चाहिए होता है, तो जो कि इस तरह का होता है। तो IP एड्रेस जो होता है, अब हम किसी को भी फ़र्ज़ करें कि हमने अपनी वेबसाइट का बताना है कि मेरा ये बिज़नेस है, तो हम उसको अपना IP एड्रेस बताएं तो ये एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी इस तरह की एक डोमेन बताते हैं, डोमेन नेम जो हमारा बिज़नेस का नेम होता है, जो भी हमारा यानी कि हमने जिस नाम के ऊपर वेबसाइट रजिस्टर्ड की होती है वो हमारा होता है डोमेन नेम। तो हमने किसी को भी बताना जो होता है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक होता है, तो इस चीज़ को IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली कहा जाता है। तो वो जो होती है वो एक कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका एक IP एड्रेस होता है, तो वो जो सर्वर होता है वो उसको वेरीफाई करता है उसके तौर के ऊपर, फिर वो जो होती है वेबसाइट जो होती है उसको रजिस्टर करते हैं। तो जब हमने किसी को अपनी वेबसाइट या अपनी डोमेन बतानी होती है कि आप हमें इस हिसाब से आप हमें सर्च कर सकते हैं या हमें आप लोग ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर जाकर, गूगल के ऊपर जाकर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, तो हम उसको अपना IP एड्रेस नहीं बता सकते क्योंकि ये एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ नहीं होती है। तो उसके लिए हम उसको अपने डोमेन का नेम बताते होते हैं। जी तो इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो किस चीज़ के थ्रू होता है, वो होता है DNS के थ्रू। DNS क्या चीज़ है, डोमेन नेम सिस्टम होता है ये चीज़ है। तो DNS जो होता है, DNS अगर हमने एक वेबसाइट बनाई है किसी डोमेन के ऊपर बनाई है, किसी चीज़ के ऊपर बनाई है, तो अगर उसका मतलब कि हमने सर्वर के साथ हमने कनेक्ट किया, तो इन दोनों का जो आपस के अंदर कनेक्शन होता है, इन दोनों को जो आपस के अंदर मिला रहा होता है
हमारी डोमेन जो हमारी वेबसाइट होती है जो हमारी उसके ऊपर जो सर्वर के साथ कनेक्ट होती है उन दोनों का जो आपस के अंदर कनेक्शन होता है वो डीएनएस के थ्रू होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, जो फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने गूगल के ऊपर जाके फ़र्ज़ करें हमने किसी भी वेबसाइट को सर्च किया, या हम ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर हम कर लेते हैं जी कफ्यूट, जैसे क्या है कफ्यूट को हमने सर्च किया है, kafyoot.edu.pk हमने सर्च किया है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो हम सर्च ब्राउज़ करते हैं वो ब्राउज़ सबसे पहले डीएनएस के पास जाता है। डीएनएस जो है फिर उसका जो होता है जो हमारी वेबसाइट होती है सर्वर के पास होती है उसका आईपी एड्रेस, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने अभी आपको बताया, उस चीज़ को सर्च करता है, उस चीज़ को मतलब वेरीफाई करता है, उस हिसाब से फिर जो हमने डोमेन का नेम दिया होता है उन दोनों चीज़ों को वेरीफाई करके सर्च करके फिर वो चीज़ ला के हमारे सामने शो करवाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं जो हमारी एक वेबसाइट को और जो सर्वर के साथ जो कनेक्शन होता है इन दोनों के दरमियान में जो एक रابطہ कायम करने के लिए जो होता है उसको डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम जिसको कहा जाता है।